कराची में वाक़े कदीम तरीन मसीही कब्रिस्तान, जिसे उर्फ आम में गोरा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, खस्ता हाली और बद इंतज़ामी की तस्वीर नज़र आता है। ये कब्रिस्तान सदियों से कायम है। 80 की दहाई में कब्रिस्तान के मरकज में एक दीवार कायम की गई थी, जिसके एक तरफ प्रोटेस्टेंट फिरके के जबकि दूसरी जानिब कैथोलिक फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मदफून हैं। कब्रिस्तान की हालत ज़ार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके अतराफ चार दीवारी पर अरसा दराज से काम जारी है, ताहम अब भी यह नामुकम्मल है। चुनाचा कब्रिस्तान मुजरिमाना सरगर्मियों का मरकज बन चुका है, जिसका अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब बिजनेस प्लस की टीम वहाँ पहुँची तो उसे कब्रिस्तान के फुटेज बनाने की मुतालिका इंतजामिया ने इजाज़त नहीं दी। ताहम इसके बावजूद हमारी टीम कब्रिस्तान की कुछ हद तक फुटेज बनाने में कामयाब हो गई, जिससे ये बात सामने आ गई कि इंतजामिया हमें इजाज़त देने से क्यों इनकारी है। कब्रिस्तान की सूरत हाल ये है कि वहाँ कुत्ते घूमते और कब्रों की बेहुरमती करते नजर आते हैं, जबकि मुश्तबा अफराद की पुरसरार नकलो हरकत भी देखी गई है, जिससे जाहिर होता है कि कब्रिस्तान की चार दीवारी के अंदर मुजरिमाना सरगर्मियाँ फरोग पा रही हैं। कब्रिस्तान के निगरा एलन लोबो और दिगर अराकीन का रवैया भी सर्द मोहरी पर मुश्तमिल था। वो किसी सूरत हमें कब्रिस्तान के बारे में कोई रिपोर्ट तैयार करने पर आमादा दिखाई नहीं देते थे, जिससे जाहिर होता है कि इंतजामिया भी कब्रिस्तान की जबोहाली में बराबर की शरीक या जिम्मेदार है। कब्रिस्तान में उगी खुदरो और कदे आदम झाड़ियाँ ये जाहिर करती हैं कि यहाँ पोशीदा मुश्तबा सरगर्मियाँ भी होती होंगी, और इनका साफ ना किया जाना इस बारे में शकुक शुभात को मजीद तकवीत देता है। कब्रिस्तान तजावुजात की नज़र होकर सुकड़ता जा रहा है और कब्रिस्तान के एक कोने में इमारतें बनी दिखाई देती हैं। कब्रें जिंदा इंसानों के लिए बड़ी एहतराम की हामिल होती हैं, जो उनके आबाओ अजदाद, आयजा और अकरबा जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निशान और पता देती है। इस तरह कब्रिस्तानों से भी एक कल्बी ताल्लुक जुड़ा रहता है। जब कब्रिस्तान लापरवाही और मुजरिमाना गफलत का शिकार हों तो उंगलियाँ भी उठेंगी और आवाज़ भी बुलंद होगी। इस कब्रिस्तान में अक्सर कब्रों का नामो निशान नहीं रहा है, जबकि आखिरी आरामगाह के लिए मुख्तस ये जगह तजावुजात की भी नज़र हो रही है। खदशा है कि मुनासिब देखभाल ना होने से सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। कैमरामैन अली कायम खानी के साथ सलमान अहमद, बिजनेस प्लस, कराची।